प्रस्तुति के अवसर पर रउआ लोगिन के स्वागत बा, अभिनंदन बा। हमरा देख के रउआ लोगिन सोचत होखम कि साक्षात भिखारी ठाकुर जी आ गेल बा। रउआ लोगिन के भरम बा, हम तो खाली उनकरा वेशभूषा धैले बानी ताकि रउआ लोगिन जान सकी कि भिखारी ठाकुर जी कैसन रहलन। नव संचेतन ने इमली चट्टी स्थित लिच्छवी बिहार में भिखारी ठाकुर के नाटक गबर घिचोर का मंचन किया। नाटक का उद्घाटन समाज सेवी अविनाश तिरंगा ने किया। नाटक में अंधविश्वास, बेरोजगारी, स्त्री पीड़ा और सामाजिक कुरीतियों के बखूबी दर्शाया गया। हारमोनियम पर डॉक्टर संजय कुमार संजू ने साथ दिया। गायन में अभिषेक रंजन, मुस्कान कुमारी और तनीषा थी। ढोलक पर अंकित कुमार थे। प्रकाश संयोजक सुनील पेकानिया का था। नृत्य निर्देशन अलक नंदा, वत्स रूप सज्जा निशा रूप से मौजूद थे। वस्त्र सज्जा अनुराधा कुमारी और मंच सज्जा अब्दुल्ला अजीज ने किया। इस मौके पर गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, मुकेश त्रिपाठी, शंभुनाथ चौबे, डॉक्टर एच एन भारद्वाज, कुमार विरल, विभेश त्रिवेदी, राम प्रवेश सिंह, केशव चौबे, अखिलेश राय, विकास नारायण उपाध्याय, प्रमोद आजाद, डॉक्टर नवनीत शांडिले मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिसमें दो शब्द आए हैं, लोक नाट धर्मी और नाट धर्मी, दोनों शब्द आए हैं। तो भिखारी ठाकुर लोक धर्मी नाटककार थे। लोक में जो जो कुछ व्याप्त है उसको प्रदर्शित करना, उसमें जो खराबी है अच्छाई है सबको दिखाना उनका काम रहा है। और वे तत्कालीन समाज को जो वर्तमान में भी चल रहा है उसको दर्शाने के लिए उन्होंने अपने नाट्य और नाट गीतों के माध्यम से एक बड़ा कनवास लेकर चले थे, जिससे समाज में आए हुए विसंगतियों को स्थापित करना, सुदृढ़ ढंग से, अच्छे ढंग से अच्छा समाज बनाना उनका ध्येय रहा है। संरचना क्या नाम है, एक नव संचेतन के द्वारा ही आयोजित किया गया है। इसे प्रमोद आजाद मुख है, उनके संरक्षक में डॉक्टर संजय पंकज जी हैं। इन्हीं लोग के सहयोग से ये नाटक का आयोजन किया गया है। आज नव संचेतन के तत्वाधान में भिखारी ठाकुर द्वारा रचित गबर घिचोर नाटक का मंचन है और कुछ लोग भी लोक नृत्य कार्यक्रम। अच्छा, और कितने लोगों की यहाँ भीड़ अभी हुई है, कैसे लोग यहाँ आते हैं? आज रिस का जमाना है और इतनी भागम भाग के बावजूद लगभग 200 की संख्या में लोग उपस्थित हैं। और ऐसे में उन नाटक को देखने के लिए उपस्थित है जो सामाजिक कुरीति पर जो भिखारी ठाकुर ने प्रहार किया और उस समय प्रहार किया जब उस समय की जनता उतनी शिक्षित नहीं थी। भिखारी ठाकुर खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस समय जो सामाजिक कुरीतियाँ थी तो उस पर उनका जबरदस्त प्रभाव है। गबर घिचोर नाटक पर भी जो बिहार के तत्कालीन जो सबसे मूल समस्या थी बेरोजगारी, और बेरोजगारी के चलते क्या क्या समस्याएं होती थी उस पर उन्होंने चोट किया है। और उस नाटक का मंचन बहुत अच्छे ढंग से प्रमोद आजाद के नेतृत्व में नाटक संचेतन संस्था। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।